वेलकम टू ईशानी वीडियोस। नागिन सीजन 4 से रिलेटेड सबसे पहली वीडियो जो कि आधारित है VFX पर। काफी ज्यादा नाराजगी थी नागिन सीजन 3 के अंदर कि VFX का सही इस्तेमाल नहीं किया, सब कुछ ब्लर कर दिया गया। लेकिन चलिए आपको हम पूरी तरह से एक रिपोर्ट ऐसी प्रोवाइड कराएंगे जिसको सुनकर आप खुश हो जाएंगे। नागिन सीजन 3 का VFX काफी ज्यादा हद तक नाराजगी भरा रहा। उसके बाद में नागिन सीजन 4 के अंदर अब आपको क्या देखने को मिलने वाला है? क्या VFX फिर से नागिन सीजन 3 वाले अपनाए जाने वाले हैं, या फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस में, या फिर और भी कुछ तगड़ी चीजें दिखाई जाएंगी? तो चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए काफी ज्यादा रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स ऐसे ही न्यूज प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले, हम आपको ऐसे ही रियल अपडेट प्रोवाइड कराते रहे। नागिन सीजन 3 के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाने के लिए थोड़ा यहाँ पर ग्लिटरी और साथ ही साथ यहाँ पर ब्लरी इफेक्ट लिया गया। लेकिन इस बार आपको वो नहीं देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर बता दें VFX टीम को पूरी तरह से इस बार एक नए ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करने के लिए बोला गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्लरी इफेक्ट था उसको रिमूव करने के लिए बोला गया है, ताकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आपको वही पिछली नागिन वाली वाइब आ सके और आप फिर से एंजॉय कर सके पूरी तरह से नागिन सीरीज को। और साथ ही साथ अब जल्दी ही यहाँ पर कास्ट भी डिसाइड हो चुकी है और आप सबके सामने कास्ट भी रिवील की जाएगी और स्टोरी लाइन भी हम जल्दी आपको बताने वाले हैं। तो जैसे ही हमें खबर मिलेगी हम आपको पूरी तरह से स्टोरी लाइन के बारे में बता देंगे। तो सबसे पहली वीडियो VFX के ऊपर थी, तो आप सब तैयार हो जाइए। और VFX टीम ने भी कमर कस ली है एक नए ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी के लिए, और आप सबको VFX में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा इस बार। और इस बार आपकी फेवरेट जोड़ियां भी और साथ ही साथ एक नई जोड़ी भी एंट्री लेने वाली है सीजन 4 के अंदर। तो तैयार हो जाइए और एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रियल अपडेट लाते रहें। तो आप भी कमर कस लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप।